कोरोना वॉरियर्स का बढ़ाया मान, पुष्प वर्षा कर पुलिस पत्रकार व सफाई कर्मियों का किया स्वागत। लोग बोले आप सच्चे योद्धा। पावटा में सभी वर्ग समाज के लोगों ने कोरोना वॉरियर्स का किया सम्मान। लोगों ने कहा आप हमारे लिए अपनी जान जोखिम में डालकर कर रहे रक्षा, ईश्वर दीर्घायु बनाए। पावटा, कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को मात देने के लिए संपूर्ण भारत में लॉकडाउन है। लोग घरों में रहकर इस महामारी से लड़ रहे हैं। वहीं पुलिस, पत्रकार, सफाई कर्मी, डॉक्टर्स, नर्स जैसे तमाम जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मी हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अपने दायित्व को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। देश में फैली महामारी कोरोना से लोगों को बचाने के लिए खुद की जिंदगी दांव पर लगाने वाले पुलिस कर्मियों, मीडिया कर्मियों, सफाई कर्मियों का शुक्रवार को सुभाष चौक, होली चौक, घंटाघर चौक पर पुष्प वर्षा कर सम्मान किया। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण से मरीजों के आंकड़ों में कमी व ग्रामीणों की सुरक्षा व उनका जीवन बचाने को लेकर हॉस्पिटलों में संसाधनों की कमी को देखते हुए कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा द्वारा मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की पहल की गई थी, जिससे आज ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में ऐसी जागरूकता आई कि आज ग्रामीण क्षेत्रों का हर नागरिक कोरोना संक्रमण से सुरक्षित व महफूज है। यही नहीं, इस अभियान से आई जागरूकता व घटती हुई कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देख इसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सराहा गया है, बल्कि मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान को प्रदेश भर में शुरू करने की तैयारियां की जा रही है, जिसको लेकर मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी अभियान की सफलता को लेकर व इस कोरोना काल में लोगों के जीवन की सुरक्षा के साथ साथ अपना कर्तव्य निभाते हुए कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा, DY SP दिनेश यादव के सुपरविजन व प्रागपुरा थाना प्रभारी शिवशंकर चतुर्वेदी ने जिस तरह से टीम का गठन कर बड़ी होशियारी व चतुरता से 2 साल में क्षेत्र में 7 मूर्ति चोरी कर उन्हें खंडित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया, वाकई काबिले तारीफ है, जिसे लेकर कोरोना योद्धा पुलिस प्रशासन, कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा, DY SP दिनेश यादव, ADM जगदीश आर्य, SDM सुनीता मीणा, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार राजवीर यादव सहित मीडिया कर्मियों का कस्बे के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों के द्वारा कस्बे के घंटाघर चौक पर पावटा सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी के नेतृत्व में अग्रवाल महासभा पावटा अध्यक्ष ओम प्रकाश बंसल, ब्राह्मण महासभा पावटा से सुरेश शर्मा, व्यापार वस्त्र मंडल से दिलीप गोयल व संतोष गुप्ता, सब्जी व्यापार मंडल, दवा विक्रेता संघ व अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन जयपुर जिला ग्रामीण मंत्री विजय गुप्ता, किराना व्यापार मंडल से महेंद्र गोयल, किशन गोयल, निरंकारी मिशन जोनल इंचार्ज वेद बनवारीलाल निरंकारी, पूर्व जिला पार्षद जगदीश मीणा, प्रियंका अग्रवाल, लडाकाबास पूर्व सरपंच वर्तमान प्रतिनिधि मदन यादव के द्वारा पुष्प वर्षा माल्य अर्पण कर उन्हें साफा पहनाकर व सोल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर भव्य स्वागत किया गया। वहीं पुलिस प्रशासन व जन प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा की और उन्हें अंग वस्त्र देकर उन्हें भी सम्मानित किया। सम्मान पाकर सफाई कर्मियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कोटपुतली अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामकुमार कसवा, DY SP दिनेश यादव, ADM जगदीश आर्य, SDM सुनीता मीणा, तहसीलदार मुकेश अग्रवाल, नायब तहसीलदार राजवीर यादव ने भव्य स्वागत करने का सबका आभार जताया व लॉकडाउन के बाद होने वाली प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की। वहीं सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी, वेद बनवारीलाल निरंकारी, विजय गुप्ता ने कहा कि अपनी जान की परवाह न करके दिन रात एक करके पुलिस प्रशासन हमारे लिए काम कर रहे हैं, उनका सम्मान भी जरूरी है। हम तो उन पर पुष्प वर्षा व माल्य अर्पण कर ही सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वह इससे भी बड़े सम्मान के योग्य है। अगर हमें इस कोरोना जैसे महामारी से जीतना है तो हमें मेहनत से काम करना होगा। इस महामारी से निपटने के लिए 24 घंटे ड्यूटी में तैनात पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, डॉक्टर्स, नर्स, सफाई कर्मी अपनी जान की परवाह किए बगैर हम लोगों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, जिसके जज्बे का हम लोग सलाम करते हैं।